हेलो फ्रेंड्स, बेकिंग वर्ल्ड बाय छाया में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है टमाटर की खट्टी मीठी चटपटी चटनी। मैंने बड़ी कढ़ाई में बड़े दो चम्मच तेल गरम कर लिया है और इस गरम तेल में मैंने डाला है जीरा, राई, कटी हुई बारीक हरी मिर्च, कटा हुआ बारीक प्याज और कटी हुई बारीक लहसुन। हम इन सबको अच्छे से भून लेंगे। प्याज को अच्छे से ब्राउन होने तक हमें अच्छे से भून लेना है। यह टमाटर की चटनी चटपटी खट्टी मीठी और बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी लगती है और यह रेसिपी बहुत हेल्दी भी है। आप अपने बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं या फिर घर में पराठों के साथ या किसी स्नैक्स के साथ आप इसे सर्व भी कर सकते हैं। देखिए, अब हमारी प्याज अच्छे से भून गई है। अब हम यहाँ पे डालेंगे मसाले। इसमें मैंने डाला है यहाँ पे 1 TSP लाल मिर्च पाउडर, 1 TSP धनिया पाउडर और 1/2 TSP हल्दी। हम अब इसे अच्छे से मसालों को मिक्स कर लेंगे। मसाले मिक्स होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, कटी हुई टमाटर। यहाँ पे मैंने 4 टमाटर लिए हैं और 4 टमाटर के साथ मैंने 2 प्याज डाली थी। टमाटर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों में। अब हम यहाँ पे डालेंगे नमक। नमक डालने से टमाटर जल्दी गल जाते हैं। नमक आपको स्वाद अनुसार लेना है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर को मिक्स कर लेंगे। टमाटर को मिक्स करने के बाद हम अब इसमें लगा देंगे ढक्कन। ढकने से यहाँ पे टमाटर हमारे जल्दी गल जाएंगे। 5 मिनट हम इसे ढक के पकाएंगे। देखिए, अब हमारे टमाटर गल गए हैं और जो बड़े टमाटर अभी भी दिख रहे हैं उसे हम थोड़ा मैश कर लेंगे। हमने इसमें यहाँ पे डाला है ऑलमोस्ट 50 ग्राम गुड़। गुड़ डालने से इसमें मीठा टेस्ट आएगा और खट्टा मीठा चटपटा टेस्ट आएगा। चटनी को हम मैश कर लेंगे थोड़ा और थोड़ा गुड़ के साथ भी इसे पकने देंगे। देखिए, गुड़ पिघल गया है और उसने पानी छोड़ दिया है। हम इसे थोड़ा ड्राई होने देंगे। अब हमारी टमाटर की चटपटी चटनी रेडी है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।